पहले से एक माइंड बना के बैठी हुई और चीख चीख रही हैं। सर, आई एम जस्ट रेजिंग द क्वेश्चन सर, मैं तो आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स रख रही हूं। मैं तो सर आपके सामने फैक्ट रख रही हूं। आप बायस बात कर रही हैं, आप बायस बात कर रही हैं। ये फैक्ट्स नहीं रखनी, फैक्ट्स रखने का भी अपना एक अंदाज होता है। ये फैक्ट्स वो है जो आप चाहती हैं कि आप हमारे मुंह में डाल के हमें तो किनारे पे खड़ा कर दें, कोने में खड़ा कर दें। आप गलत बात करिए, आपकी कई बातें गलत हैं। आपको जिसने भी लिख के दिया हुआ है ये वर्जन ही गलत है। बता दे कौन सी बातें गलत है आपकी, आप वो बता दे जो आपको लिख के दिया गया है। आप वो बता दे बैरिस्टर साहब, आप वो बता दीजिए जो आपको लिख के दिया है। आप क्या मुंह बंद करेंगी तो मैं बात करूंगा ना। आप मुसलसल बोले जा रही हैं तो क्या बंदा आपसे बात करे। आपने सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए अपना प्रोग्राम हाई करना, इसलिए आप लगी हुई है बातें कर रही है। आपकी पहली बात ही गलत है जब आपने ये कहा कि आपका पीटीआई जो है वो हाईकोर्ट चली गई। ये कोई बात है, इसकी कोई तुक है इसके साथ? आप खुद प्रोग्राम नहीं करी, आपने रात का खाना नहीं खाया बम धमाके के बाद? क्या जिंदगी की गाड़ी रुक जाती है इसके बाद? बैरिस्टर साहब, क्या इमरान खान साहब ने तालिबान के साथ मुजाकरात का नहीं कहा था? क्या खैर सगाली के तौर पे दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा गया था? क्या इमरान खान साहब तालिबान के दफातर नहीं खुलवाना चाहते थे? क्या इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, आपकी पूरी पार्टी ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर के उसामा बिन लादेन तक को शहीद बोल दिया? क्या ये फैक्ट नहीं है सर? प्रोग्राम हाई रेट करने के लिए बोली जा रही है, आपको कोई बात का पता ही नहीं है? बंद करें प्रोग्राम, जाएं यहां से। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपको ये कोई राइट नहीं है कि आप किसी भी प्रोग्राम को या सवाल को दो टके का बोले। आई एम रियली सॉरी, आपकी राय दो टके की होगी सर, आपकी राय दो टके की होगी। एंड दिस गोज ऑन एयर अनएडिटेड, दिस गोज ऑन एयर अनएडिटेड। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक टिपिकल रिस्पॉन्स और माइंड सेट आपने बताया है कि जब आप जवाब नहीं दे सकते सर, मुझे मत गुस्सा दिखाइए, जाके तालिबान को ये गुस्सा दिखाइए, आप उधर जाके दहशतगर्दों को ये दिखाइए कि दहशतगर्द आप दहशतगर्दों को ये क्वेश्चन दिखाइए। पाकिस्तान में बैठ करके सिविलियन एंकर्स को अपना एग्रेशन मत दिखाइए, कोई फायदा नहीं होगा। जिन्होंने आपके पुलिस वालों की मस्जिद पे अटैक किया ना, उनको जाकर ये एग्रेशन दिखाइए तो शायद पाकिस्तान किसी बेहतर सिचुएशन में हो। बैरिस्टर सैफ साहब भाग गए हैं।